राधानाथ सिकदर का जन्म 1813 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम तित्तू राम सिकदर था। उनको बचपन से ही पढ़ने लिखने का खूब शौक था, लेकिन उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था कि किसी तरह स्कॉलरशिप हासिल कर लें। उन्होंने कड़ी मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी। राधानाथ के छोटे भाई श्रीनाथ का दिमाग भी राधानाथ की तरह ही तेज था। उन्होंने भी प्रतिभा के बूते स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी। अपने स्कॉलरशिप के पैसों से राधानाथ किताबें खरीदते और श्रीनाथ को मिलने वाली स्कॉलरशिप से घर का चूल्हा जलता। इसी तरह स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ाई और पेट की आग भी बुझ जाती थी। 1824 में राधानाथ सिकदर ने हिंदू स्कूल में एडमिशन ले लिया था। उनका प्रिय विषय मैथमेटिक था, इसीलिए गणित विषय लेकर ही वो पढ़ने लगे। राधानाथ कितने विद्वान थे इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदू कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने कॉमन टेंजेंट बनाने का नया तरीका इजाद कर दिया। वहीं उनके टीचरों को आश्चर्यजनक कर दिया था। 1813 में उत्तर कलकत्ता में जन्मे राधानाथ सिकदर फेमस मैथमेटिशियन बन गए थे। 1831 में भारत के जनरल जॉर्ज एवरेस्ट एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसे ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल हो। यहाँ ये भी बता दें कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की शुरुआत 1802 में ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा की गई थी। हिंदू कॉलेज के शिक्षक टाइटलर से जब उन्हें ये बात बताई गई तो टाइटलर ने अपने सबसे होनर छात्र का नाम राधानाथ सिकदर का नाम बताया। राधानाथ सिकदर उस वक्त महज 19 वर्ष के थे। 1831 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे में वह 30 रुपये माहवर पर कंप्यूटर के पद पर नियुक्त हुए थे। कंप्यूटर के पद पर उस जमाने में कंप्यूटर उसे कहा जाता था जो कागजों पर डाटा की कंप्यूटिंग का काम करता है। उनके काम से जॉर्ज एवरेस्ट बहुत प्रभावित हुए और देहरादून में उनका ट्रांसफर कर दिया। वहां उन्होंने अपने काम को और निखारा और करीब 2 दशक उन्होंने देहरादून में बिताए। उसी दौरान जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में पता लगाने का काम उन्हें सौंपा। कुछ दिन बाद एवरेस्ट रिटायर हो गए और उनकी जगह एंड्रयू जनरल बनकर आए। उन्होंने भी कई लोगों को यह काम सौंपा, लेकिन बड़ी कामयाबी अभी दूर थी। लगभग 4 वर्ष तक लगातार काम करने के बाद 1852 में राधानाथ सिकदर ने ट्रिग्नोमेट्री जोड़ घटाव के बाद एंड्रयू से कहा कि उन्होंने सबसे ऊंची चोटी का पता लगा लिया है। उन्होंने बताया कि सबसे ऊंची चोटी 29,002 फीट है। इस जानकारी को कई वर्षों तक दबाए रखा गया क्योंकि एंड्रयू इस खोज को लेकर पूरी तरह से सही हो जाना चाहते थे। 1856 में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई। जॉर्ज एवरेस्ट का रोल बस इतना था कि उन्होंने राधानाथ सिकदर को सबसे ऊंची चोटी के बारे में पता लगाने का टास्क दिया था। बताया जाता है कि इस चोटी के नामकरण को लेकर पहले यह तय हुआ कि स्थानीय नामों के आधार पर ही इसका नाम रखा जाएगा, लेकिन बाद में इसका नाम माउंट एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया। इस तरह 4 साल तक लगातार चोटी नापने के लिए परिश्रम करने वाले राधानाथ सिकदर का नाम गुमनामी के अंधेरे में डूब गया। जॉर्ज एवरेस्ट का रोल बस इतना था कि उन्होंने राधानाथ सिकदर को सबसे ऊंची चोटी नापने का टास्क दिया था। राधानाथ ने उस समय मौजूद बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर एवरेस्ट की ऊंचाई मापी, लेकिन इसका श्रेय उन्हें नहीं मिला। राधानाथ सिकदर ने एवरेस्ट को मापने के साथ ही गणित के कई अन्य फॉर्मूले भी दिए, लेकिन इतिहास में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आपको क्या लगता है, राधानाथ सिकदर को उनका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं?
कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।